हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नंदू और आप सभी का हमारे चैनल आरटी नंदू आर्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके कि कोई भी पेंटर को किस प्रकार से राइटिंग पेंटिंग में दिक्कत होती है, वो किस प्रकार से जब चालू करते हैं पेंटिंग करना तो उनका पेंट चूने लगता है, नीचे गिरने लगता है, तो उसी को आज हम बहुत अच्छा तरीका से सॉल्व करके बताए हैं। उसका 2, 4, 5 रीजन हो सकता है। जो रीजन आप लोग को बताए हैं, वो रीजन बताने के बाद आप लोग एकदम एकदम परफेक्ट सीख जाएंगे कि उसको आप कभी भी गलती उस प्रकार से नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कुछ लंबा ही होगा और आपको लंबा होगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी प्रकार का वीडियो पेंटिंग और राइटिंग से रिलेटेड लाते रहता हूं, जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो चालू करता हूं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बहुत कोई पेंटर भाई जिसे ब्रश से किसी प्रकार से पेंटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो नीचे पेंट गिरने लगता है। तो नीचे पेंट कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, उसका कारण आपको बताएंगे, ताकि उस कारण को आपको सोल्व भी करके बताएंगे, ताकि आप उस प्रकार से कभी मिस्टेक ना करें और आप अच्छा तरीक़ा से लिख सके, अच्छा से पेंटिंग कर सके। तो चलिए आपको 2-4 कारण बताते हैं। ये कारण यदि आप हर समय ध्यान में रखेंगे पेंटिंग और राइटिंग करते समय, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो पहला कारण आपका इसका ये हो सकता है कि यदि कोई भी आप इस प्रकार से बोर्ड में लिख रहे हैं, कोई भी टीना में, बोर्ड में, जहां भी आप पेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वहां आपका पहले से छोटा छोटा धूलकण एकदम, जो कि बहुत छोटा धूल रहता है, वो आपका बोर्ड में पहले से पड़ा हुआ रहता है। तो बोर्ड के यदि आप साफ नहीं कीजिएगा, तो आप जब कभी भी पेंट कीजिएगा इसमें, चाहे कोई भी लिखिएगा, तो वो पेंट आपका नीचे गिरने लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, बोर्ड जहाँ पर भी हम लोग लिख रहे हैं उसको सबसे पहले उसको कपड़ा से पोंछ लेना चाहिए। मान के चलिए इस बोर्ड में हम लिखना चाहते हैं, तो ये बोर्ड पहले जब हम 2-4 दिन छोड़ देते हैं बोर्ड को पेंट करने के बाद, तो उसमें एकदम धूल आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से धूल आ ही जाता है। तो उसको हमको अच्छा तरीक़ा से पोंछ लेना चाहिए एक अच्छा कपड़ा से। तो इस प्रकार से कपड़ा लेके सूती का कपड़ा होना चाहिए। हम लोग को पेंटर को हर समय, आर्टिस्ट को हर समय सूती कपड़ा ही यूज करना चाहिए। तो सूती कपड़ा से आप इस प्रकार से अच्छा तरीक़ा से पोंछ लीजिए। उसके बाद में आप उसमें किसी प्रकार का जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका पहला कारण कि यदि कोई भी बोर्ड में लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसको पोंछ लें, ताकि आपका पेंट ना चुए। दूसरा जो आप करते हैं, दूसरा जो नए भाई आप मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक है कि पेंट को आप ज़्यादा पतला कर देते हैं। मान के चलिए पेंट है, पेंट को आप ज़्यादा पतला कर देते हैं। ये जो पेंट है उसको ज़्यादा पतला नहीं करना चाहिए। पेंट को ज़्यादा पतला करने से वो पेंट पतला हो जाता है, और इस प्रकार से जो आपका जहाँ पर लिखना है बेस है उसमें वो टिक नहीं सकता है, वो क्या होता है, चूने लगता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो पेंट है, पेंट को हम लोग को पतला नहीं करना चाहिए, ठीक लाइक रखना चाहिए, जिसमें कि वो चूहे ना, वो नीचे ना बहे। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, पेंट को एकदम ठीक लाइक रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसमें तारपीन तेल डालना चाहिए, एक ही बार तारपीन तेल इसमें डाल के नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि वो पतला हो जाए और नीचे बहने लगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के हम लोग को क्या करना चाहिए, मोटा ही रहना चाहिए, उतना ज़्यादा हम लोग को पतला भी नहीं, उतना मोटा भी नहीं। इसके लिए हम लोगों को हर समय ये पेंट इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा तेल डाल के देखते रहना चाहिए कि ज़्यादा मोटा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा पतला भी नहीं। यदि ज़्यादा मोटा रहेगा तो क्या होगा कि बीच बीच में छोड़ने लगेगी इस प्रकार से, जो देख रहे हैं बीच बीच में छूट रहा है इस प्रकार से।
यदि ज़्यादा पतला होगा तो क्या होगा, चूने लगेगा, मेरा पेंट इस प्रकार से चूने लगेगा ऐसे। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा इसमें तेल नहीं डालना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा कारण कि आपको ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो समझ गए कि पहला बात तो आपका में धुलकन रहेगा तब चुएगा, नीचे पेंट आने लगेगा। दूसरा रहेगा कि यदि आपका में पेंट में यदि आप तारपीन ज़्यादा डाल देते हैं तो वो चूने लगेगा। तो चलिए अब हम बताते हैं तीसरा कारण। अब आते हैं हम तीसरा कारण। तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण से इस प्रकार से आपका पेंट नीचे चू सकता है, नीचे गिर सकता है, वो है आपका ब्रश खराब। यदि आपका ब्रश ये जो बाल है, ये जो बाल देख रहे हैं, ये बाल आगे साइड इसका बाल देखिए कटा हुआ दिख रहा है, यानी जो आगे पतला पतला जो बाल होता है, मिही जो बाल होता है, पतला बाल, वो बाल इसका ख़त्म हो चुका है। तो जो ये बाल ख़त्म हो चुका है तो इससे क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चिकना चिकना बेस में लिखते हैं तो चिकना बेस में ये जो बाल यहाँ पर मोटा बाल हो जाता है, तो ये आपको अच्छा तरीका से इसको पोंछने नहीं सकता है। और ये पोंछने नहीं सकता है तो आपका पेंट इसी प्रकार से नीचे गिरने लगता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि ब्रश का रख रखाव अच्छा करना चाहिए। यदि ब्रश आपका मान के चलिए चलाते चलाते ज़्यादा दिन हो गया, ये ख़राब हो गया, तो हम लोग को नया ब्रश यूज करना चाहिए, तो जिससे कि आपका पेंट नहीं चूता है। तो देख सकते हैं कि ये मेरा नया ब्रश है, इसका बाल ऊपर में देख रहे होंगे कि इसमें पतला पतला बाल है, ये ब्रश हर समय पेंट को पोंछता है। तो इस प्रकार से मेरा तीसरा कारण हो सकता है जिससे कि आपका पेंट नीचे गिरता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अगला हम बताने वाले हैं चौथा कारण। तो आप लोगों को हम चौथा कारण बताने वाले हैं कि ये जो पेंट है, इससे ब्रश में हम क्या करते हैं, ज़्यादा पेंट ले लेते हैं। ज़्यादा पेंट देखिए, ये ज़्यादा पेंट ले लेते हैं जिसके कारण ये चूने लगता है, जहाँ भी हम सरफेस में लिखते हैं वहाँ नीचे गिरने लगता है। तो देखिए, ये जो पेंट है इसको हमको ब्रश में लेना है। अब ये ब्रश में लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ब्रश को हम एक बार इधर से पोंछ लेंगे और एक बार इधर से पोंछ लेंगे। देखिए, इससे क्या होता है कि आपका पॉइंट भी बन जाता है, और पॉइंट बनने के साथ साथ इसमें जो ब्रश में ज़्यादा पेंट रहता है वो भी इसमें से निकल जाता है। जितना हमको आवश्यकता है उतना ही इसमें रहता है। तो इसलिए हम लोग को देखिए ऐसे करके, ऐसे और एक बार ऐसे करके नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेंट रहता है। इसको अच्छा तरीक़ा से हम लोग को एक बार पहला साइड से और एक बार दूसरा साइड से ऐसे करके जितना हमको आवश्यकता होगा उतना ही पेंट लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम लोग ये चार बातें अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं तो हमारा पेंट जहाँ पर हम लिखते हैं वहाँ कभी भी नीचे इस प्रकार से नहीं गिरता है। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।